दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जिसको कि हिंदी में दमा भी बोलते हैं। दमा क्या परेशानी होती है, किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, में क्या पैथोलॉजी है, क्या लक्षण होते हैं इसके अंदर, और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर इसमें क्या क्या जांच एडवाइज कर सकता है, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके अंदर यदि समय पर इलाज नहीं करवाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं डॉक्टर कमलेश शेनवाल इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसको औरों को भी शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ब्रोंकियल अस्थमा या दमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे एक महामारी की तरह फैलती जा रही, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारे फेफड़ों की जो नसें रहती है वो सिकुड़ जाती है, इसको विंड पाइप बोलते हैं, जिसमें के द्वारा कि अपन हवा को जो है अंदर लेते हैं, जो अपन सांस अंदर लेते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस बीमारी के अंदर जो है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो शरीर में जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि फेफड़ों की नसें सिकुड़ गई है इसके अंदर। अब सुकड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? सुकड़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो कारण है वो है एलर्जी। एलर्जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है, जिसके कारण की ये प्रॉब्लम होती है। अब एलर्जी के कारण होता क्या है कि जैसे कोई भी कारण, कोई भी चीज ऐसी अंदर चली गई है जो कि है जो शरीर को पसंद नहीं है, तो शरीर उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करती थी। जैसे हमारे देश है, देश के ऊपर यदि कोई भी बाहर की आर्मी अटैक करेगी तो नेचुरल बात है हमारे देश की आर्मी पर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वैसे यदि कोई भी फॉरेन चीज जो अंदर जाती है तो शरीर इसको बाहर निकालने के चक्कर में एक युद्ध होता है, उसके कारण जो है वहां पर जो फेफड़ों की नसें हैं उसके कारण है, वहां पर है जो बहुत सारे उसके जो एनर्जी के कण प्लस हमारे शरीर के जो WBC है वो इकट्ठी हो जाती है, और वो डेब्रिज जो इकट्ठी होती है, वो कचरा जो इकट्ठा है उसके कारण फेफड़ों की नसें सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण वहां पे जो हवा जो लेने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, उसका अंदर सांस में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इसके क्या लक्षण है। लक्षण जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको विदित है कि सांस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचती नहीं तो सांस में प्रॉब्लम होगी होगी। दूसरी चीज है अंदर डेब्रिज या अंदर इस तरह के कचरा इकट्ठा हो रहा है तो नेचुरल बात है उसके कारण कफ बनेगा। तो दूसरा जो लक्षण महत्वपूर्ण है वो है कफ जमना। कफ जमेगा तो बाहर निकालने के लिए उसको खांसना पड़ेगा, तो नेचुरल बात है खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। तो मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम है वो तीन होगी। एक तो उसको सांस में प्रॉब्लम होगी, दूसरी उसके अंदर कफ आएगा, और तीसरी चीज खांसी चलेगी उसके अंदर। साथ में जो उसको शरीर में भारीपन लगेगा, एक जैसे शरीर होता है ना कि बहुत इसकी टाइटनेस लगेगा उसको फेफड़ों के अंदर। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है, डॉक्टर आपको ये स्टेथ के द्वारा देख करके और उसमें ऑस्कल्टेट करके बता सकता है, उसमें सीटी जैसी आवाज आती है तो इसका मतलब ये दमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकियल अस्थमा की। अब बात करते हैं कि यदि डॉक्टर ने आपको ये इसके द्वारा बता भी देगा, लेकिन और जांचें क्या क्या कर कंफर्मेशन के लिए क्या क्या जांच करवाई जा सकती है। कंफर्मेशन जो जांच है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के द्वारा ये पता लगा सकते हैं फेफड़ों में से कितनी सिकुड़ी हुई है, कितने परसेंट सिकुड़ी हुई है, और कौन सी दवाई के द्वारा ठीक हो सकती है, ये भी पता लगाया जा सकता है। कुछ अन्य जांचें हैं जैसे कि एक्सरे है, ECG है, CBC है, जिसमें कि खून की कमी, क्योंकि सांस में प्रॉब्लम होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन सभी कारणों को ब्लॉक करना जरूरी है। तो इसके लिए हमको ECG भी करवानी पड़ती है, इसके लिए ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, शुगर की जांच भी करवानी पड़ सकती है, यूरिया भी करवाना पड़ सकता है, क्रिएटिन भी करवाना पड़ सकता है, इस तरह की तमाम जांचें हैं जो करवानी पड़ सकती। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट किस तरह से डॉक्टर अस्थमा को कैसे ट्रीट करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें प्रॉब्लम कितनी ज्यादा परेशानी है सांस के अंदर। कई बार ऐसे मरीज को भर्ती करना पड़ सकता है, कई बार बिना भर्ती के भी ठीक हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसमें मेडिसिन दी जाती है वो तीन तरीके से मेडिसिन दी जाती है। एक तो हवा के द्वारा दी जाती है, जिसमें एक एरोसोल टेक्निक बोलते हैं, जिसमें कि ये जो दवाई है वो भाप के रूप में दी जाती है। उसके तरीके भी कई हो सकते हैं। एक तो जैसे नेबुलाइजेशन मशीन होती है, जैसे कि आप डायग्राम में, नेबुलाइजेशन मशीन के द्वारा दी जा सकती है, या इनहेलर के द्वारा दी जा सकती है, या एक रोटाहेलर इस तरह का डिवाइस आता है उसके द्वारा भी दी जाती है। तो ये तमाम तरीके जिनके द्वारा की जो दवाई दी। दूसरा है गोली के द्वारा भी दवाई दी जा सकती है, जिसमें मुख्य रूप से तीन चार तरह की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एक तो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन रहती है, ब्रोंकोडायलेटर में जो साल्बुटामोल नाम की दवाई आती है, और भी कुछ इस तरह की मिर्चुल दवाई आती है, या
स्टेरॉइड दी जाती है जो कि सोजन को कम कर सकती है, या एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती है वो भी दी जाती है, जैसे कि मोंटेस्पिन एलसीए इस तरह की मेडिसिन दी जाती है, और कभी कभी यदि इन्फेक्शन के चांस रहता है तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है इसके अंदर। यदि मरीज की कंडीशन ज्यादा खराब रहती है, सीरियस रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है, इसे मरीज को भर्ती करना पड़ता है, और भर्ती करके हम इसमें अमाइलोफेलिन नाम की दवाई भी दी जा सकती है और भी बहुत सारी मेडिसिन दी जा सकती है इसके। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इस बीमारी को रोकने का कोई तरीका है। यस, डेफिनेटली बीमारी को रोका जा सकता है। रोकने का तरीका जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कारण के अंदर कि ये एलर्जी के कारण होती है, तो एलर्जी किस वजह से है यदि ये पता लगा तो बीमारी को रोका जा सकता है। जैसे डस्ट से एलर्जी है, यदि धूल के कण उसके अंदर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली बीमारी को रोका जा सकता है। या कई बार कुछ खाने में कोई चीज ऐसी आ जाती है, जैसे किसी को भिंडी से एलर्जी है, अब निचल भिंडी खाएगा तो उसको सांस प्रॉब्लम होगी, अपन को पता लगे कि भिंडी से तो अपन उसको रोक सकते हैं उसके अंदर। कई को दूध से एलर्जी, मतलब कहने का मतलब ये कि जिस चीज से एलर्जी है उसको रोका जा सकता है। या एलर्जी नहीं हो उसके लिए कुछ मेडिसिन रेगुलर दी जाती है तो भी इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि काफी कुछ हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें कि खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए इसमें। दोस्तों ये बीमारी ज्यादातर सर्दी बीमारी है, और जनरली ऐसी चीजें जो कि खाने से ठंड होती है या सर्दी करती है, ऐसी बीमारी से ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जैसे फ्रिज के आइटम कोई नहीं लेना चाहिए, ठंडी चीज कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, तो शायद इस बीमारी से काफी कुछ हद तक बचा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।